हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके का नया लेक्चर। तो आज स्टैटिक जीके के आज के लेक्चर में हम बिहार के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम अभी तक काफ़ी सारे स्टेट पढ़ चुके हैं, तकरीबन 7-8 स्टेट पढ़ चुके हैं। आज हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेट हमारा बिहार है। तो बिहार के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है इसमें, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया है या फिर किसी में पॉइंट में आपको कोई मॉडिफिकेशन वगैरह की जरूरत है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बता देंगे या फिर कमेंट सेक्शन में भी आपको जो आपकी क्वेरी है वगैरह है उसको क्लैरिफाई कर देंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बिहार, बिहार का नाम कैसे पड़ा उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो बिहार का नाम पड़ा था विहार से। ये सभी नाम जो क्या है, ये जो बिहार नाम है किसने दिया था, अंग्रेजों ने दिया था। अंग्रेज आए वहाँ पे, उस जगह पे क्या थे, काफ़ी सारे विहार थे। विहार क्या होते हैं, जो यहाँ पे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो अबोर्ड्स होते थे, जो यहाँ पे क्या थे, जो वहाँ पे भिक्षु वगैरह थे, तो उनके लिए पहाड़ों में काट करके क्या है, जो विहार बनाए जाते थे। कुछ विहार होते थे जहाँ पे क्या है, मतलब वो रहते थे जो बौद्ध भिक्षु, उनके लिए बनाए जाते थे। और कई जगह पे जो पूजा वगैरह पाठ के लिए भी जो पहाड़ों में काट करके क्या बनाए जाते थे, विहार बनाए जाते थे। तो बहुत सारे विहार थे, काफ़ी टाइम काफ़ी बहुत सारे थे और इसलिए अंग्रेज़ों ने इसका नाम क्या रख दिया, विहार। तो उनको कहा नहीं गया और उन वो क्या कहने लगे, इसको बिहार कहने लगे। तो इस तरह से इसका नाम क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया। तो बिहार के नाम से जो बौद्ध धर्म में क्या होते थे, अबोड, रहने के लिए जगह कहते हैं इसको। तो इन अबोड्स की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, बिहार्स की वजह से बिहार नाम इसका पड़ा है। तो अभी इसके स्टेट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। और इसमें चार जो मेन क्या है, बाउंड्रीज वगैरह लगती हैं। पहली बाउंड्री ऊपर नेपाल लगती है नॉर्थ में, इधर वेस्ट बंगाल हमारी, ये हमारा किस कौन सा बॉर्डर हो गया, ईस्टर्न बॉर्डर हो गया। इधर यूपी पड़ता है हमारा वेस्टर्न बॉर्डर में, और साउथर्न बॉर्डर में क्या पड़ता है हमारा, झारखंड। तो तीन जो स्टेट्स हैं इंडिया के स्टेट्स, उसकी बाउंड्री लगती है। तो ये कहाँ कैसे, ये थोड़ा सा ऐसे जा करके हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल। तो ये किसकी बाउंड्री लगती है, वेस्टर्न ईस्टर्न साइड में वेस्ट बंगाल की, ऊपर नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री हमारे बिहार की लगती है। इधर यूपी की वेस्ट साइड में क्या पड़ती है, हमारी बाउंड्री लगती है। और साउथ में किसकी लगती है, जो हमारा झारखंड है उसकी बाउंड्री हमारी लगती है। अभी यहाँ का एरिया पॉपुलेशन देख लेते हैं। तो एरिया कितना है इसका, एरिया है इसका 94163 किलोमीटर स्क्वायर, और एरिया वाइज ये आता है 12th स्टेट है पूरे इंडिया में। तो 12th रैंक किसकी, इसकी एरिया वाइज इसकी रैंक है 12th रैंक, 94163 यानी 94163 किलोमीटर स्क्वायर गज का, स्क्वायर किलोमीटर का क्या है इसका एरिया यहाँ पे पड़ता है। पॉपुलेशन इसकी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी है, इसकी पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार इसके अकॉर्डिंग ये इसका कितना पड़ता है, हमारा थर्ड है पॉपुलेशन वाइज हमारा जो बिहार है। फर्स्ट कौन बताया था हमने, यूपी है। सेकंड आप हमें कमेंट करके बताइए, सेकंड कौन सा राज्य है, थर्ड हमारा पड़ता है बिहार। तो इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, 10,40,99,452 यहाँ की पॉपुलेशन है। एरिया है यहाँ का 94163 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। एरिया वाइज इसकी रैंक है 12th पूरे इंडिया में, और पॉपुलेशन वाइज इसकी रैंक है कितनी, थर्ड। फर्स्ट रैंक हमारी यूपी के अनुसार है, सेकंड रैंक आपको कमेंट करके हमें बतानी है। तो चलिए ये तो हो गया इसका मेन जो हमारा भी कैसे नाम पड़ा और क्या क्या इसकी बाउंड्री वगैरह लगती हैं। अभी यहाँ के क्या देख लेते हैं, यहाँ के जो फर्स्ट CM थे, करंट CM कौन है, और इसके साथ साथ जो हमारे वही गवर्नर थे, गवर्नर अभी कौन है और सबसे पहले गवर्नर कौन थे, तो ये सब हम डिटेल्स देख लेते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो ये सभी क्या है, क्वेश्चन सही पूछे जा सकते हैं और काफ़ी बार पूछे जा गए हैं।
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंतज़ार किस चीज़ का है, हमारे यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स मिलेंगी, सभी जो मिलेंगी, जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उसके साथ साथ जो हमारा क्या है स्ट्रेटेजी जीके के साथ साथ इंग्लिश की वोकेबलर भी हम आपको डेली करवा रहे हैं। दिल्ली पुलिस में इंग्लिश तो नहीं आते, लेकिन जो हमारी स्ट्रेटेजी जीके है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, मैथ है, ये सभी आते हैं आपके लिए। इसके लिए आपको सब्जेक्ट्स वगैरह लेकर आ रहे हैं हम। तो इसलिए क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे फर्स्ट सीएम, करंट सीएम, फर्स्ट गवर्नर, करंट गवर्नर, तो फर्स्ट सीएम यहाँ के कौन थे, श्री कृष्ण सिंह, ये हमारे पहले सीएम थे बिहार के। अभी करंट सीएम कौन है यहाँ के, नीतीश कुमार, ये किससे बिलोंग करते हैं, जनता दल यूनाइटेड, ये इनकी पार्टी है, क्या है, जेडीयू। और यहाँ के फर्स्ट गवर्नर और करंट गवर्नर कौन है, फर्स्ट गवर्नर है यहाँ के जयराम दास दौलत राम। तो कौन थे पहले गवर्नर यहाँ के, जयराम दास दौलत राम। और अभी गवर्नर कौन है यहाँ के, फागु चौहान। तो फागु चौहान यहाँ के क्या है, अभी गवर्नर है। पहले गवर्नर कौन थे, जयराम दौलत राम थे, और जयराम दास दौलत राम। फर्स्ट सीएम यहाँ के श्री कृष्ण सिंह, नीतीश कुमार यहाँ के क्या है, अभी सीएम है करंट में। अभी यहाँ पे लोकसभा की सीटें देख लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और यहाँ पे क्या है, बाइकैमरल है। बाइकैमरल का मतलब क्या है, यहाँ पे वही क्या है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, यानी विधानसभा भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि काफ़ी सारी जनसंख्या है, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे असेंबलीज वगैरह बनाई जाती हैं। तो लोकसभा में सीटें कितनी है, राज्यसभा में कितनी है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में और विधान परिषद में कितनी देख लेते हैं चलो। तो लोकसभा में सीटें कितनी है, यहाँ पे 40 सीटें हैं, और राज्यसभा में कितनी सीटें, यहाँ पे 13 सीटें हैं। बाइकैमरलिज्म में यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं, 243 सीटें हैं, और यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 75 सीटें हैं। तो ये होगी हमारी जो भी कितनी क्या कुछ सीटें हैं, लोकसभा में 40 हैं, राज्यसभा में 13 हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 हैं, और यहाँ पे जो काउंसिल है, विधानसभा, विधान परिषद है, विधान परिषद में कितनी है, 75 यहाँ पे सीटें टोटल विधान बिहार की आती हैं। तो ये नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड के बारे में। उससे पहले एक मैं क्लेरिफिकेशन कर दूं, यहाँ पे ये 13 नहीं है, ये 16 आएगा, ये थोड़ी मिस्टेक होगी मेरे से, तो ये थोड़ा 16 है यहाँ पे। तो 40 क्या है लोकसभा की सीटें हैं, 16 राज्यसभा की सीटें हैं, 243 जो विधानसभा की, और 275 और कितनी है, 75 सीटें हमारी विधान परिषद की। अभी यहाँ का स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट ट्री और स्टेट फ्लावर, ये चारों चीज़ें हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, एनिमल कौन सा है यहाँ का स्टेट एनिमल, गोर। स्टेट बर्ड कौन सा है हमारा, इंडियन रोलर। स्टेट ट्री कौन सा है, पीपल। तो पीपल का पेड़ का है यहाँ का जो स्टेट ट्री है, और स्टेट फ्लावर यहाँ का क्या है, कचनार। ये क्या है हमारा, स्टेट फ्लावर है। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भी स्टेट एनिमल क्या है इसका, यहाँ पे गोर है, इंडियन रोलर क्या है यहाँ का स्टेट बर्ड है, पीपल यहाँ का स्टेट ट्री है, और कचनार क्या है यहाँ का जो एक तरह से जो स्टेट फ्लावर है वो यहाँ का स्टेट फ्लावर कचनार है। और ये क्लैरिफिकेशन कर लीजिए, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 13 सीटें नहीं थी, यहाँ पे 16 सीटें हैं। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूँ। तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। अभी यहाँ की हेरिटेज साइट्स देख लेते हैं, कौन सी हैं। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इसका पूरा नाम है हेरिटेज साइट्स का,
तो यहाँ पे दो मेन हेरिटेज साइट्स हैं। पहली क्या है हमारी यहाँ पे नालंदा, इसको आर्कियोलॉजिकल साइट कह लीजिए, कॉम्प्लेक्स कह लीजिए। ओफ नालंदा महाविहार यानी यूनिवर्सिटी, ये एक बौद्ध यूनिवर्सिटी थी जिसको क्या है बाद में खंडित कर दिया गया था, जो वहाँ पे हमले हुए थे, हमले वगैरह में क्या है इसको खंडित कर दिया गया था। और इसलिए क्या है अभी ये इसका दोबारा से, इसको बिहार सरकार कह रही है कि इसको क्या है जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारा, कि दोबारा से री एस्टेब्लिश इसको किया जाएगा। तो ये कहाँ पे है, ये हमारी है नालंदा में। नालंदा एक जगह है बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से ही बनाई गई है। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड हमारा जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, सेकेंड आर्कियोलॉजिकल साइट हमारी है बोध गया में। बोध गया में क्या साइट है, महाबोधि टेंपल कॉम्प्लेक्स। तो बोध का जो टेंपल है महाबोधि, क्योंकि जो क्या है बोध गया में क्या था, पेड़ था, किसका पेड़ था, बड़ का पेड़ था, बरगद का। तो बरगद के पेड़ के नीचे ही उन्होंने जो बुद्ध, जो हमारे बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने एनलाइटनमेंट यानी कि जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोधगया में एक बरगद का पेड़ है उसके नीचे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए उसके चारों ओर क्या बना दिया गया है अभी, टेम्पल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है जिसको महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये क्या है, ये दो हमारी क्या है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आती हैं। पहली क्या है आर्कियोलॉजिकल साइट है किसकी, नालंदा महाविहार यानी यूनिवर्सिटी की, और जो बोध गया है कहाँ का, ये क्या है इसमें क्या है महाबोधि जो टेंपल कॉम्प्लेक्स है बोध गया में, जो गौतम बुद्ध के नाम पर क्या है इसको जो टेंपल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जब जो हमारे क्या है लॉर्ड बुद्धा थे उनके नाम पर, ये बुद्धिज्म जिसने स्टार्ट किया था तो उनके नाम पर महाबोधि क्या है वहाँ पर टेंपल कॉम्प्लेक्स है उसको बनाया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। अभी हम डैम्स वगैरह देख लेते हैं नेक्स्ट में पॉइंट में। तो चलिए नेक्स्ट डैम के ऊपर देख लेते हैं, डैम कौन से हैं यहाँ पे। नागी डैम, नागी नदी पर ही कोहिरा डैम, चंदन डैम और दुर्गावती डैम, ये क्या है दुर्गावती नदी पर, ये चंदन नदी पर, ये कोहिरा नदी पर। तो ये सभी नदियां के यही नाम है आपस में क्या है, मतलब दुर्गावती नदी पे के ऊपर कौन सा डैम है, दुर्गावती डैम है। चंदन नदी के ऊपर क्या है, चंदन डैम है। कोहिरा नदी के ऊपर कोहिरा डैम है, और नागी नदी के ऊपर क्या है, नागी डैम है। यहाँ पे एक लेक भी है जिसका नाम क्या है, कन्वर लेक। तो इसका भी पॉइंट आप क्या है याद कर लीजिए कि भी क्या है हमारे डैम कौन से हैं, नागी डैम है, कोहिरा डैम है, चंदन डैम है और दुर्गावती डैम है। इनको अपने जो जिन नदियों पर ये हैं उन्हीं के नाम पर इनको रखा गया है इनका नाम, और ये कि इसलिए याद कर लीजिए। और लेक हमारी क्या है, कन्वर लेक है, ये याद कर लीजिए। अभी हम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स वगैरह हैं या थर्मल पावर प्लांट है उसके बारे में देख लेते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए अभी यहाँ पे क्या है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, थर्मल प्लांट है यानी कि क्या है थर्मल प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कौन सा डैम है, जो थर्मल पावर प्लांट है बरूनी थर्मल पावर प्लांट, ये बरूनी नाम की जगह पर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कांति थर्मल पावर प्लांट, ये हमारा है मुजफ्फराबाद, मुजफ्फरपुर में, सॉरी मुजफ्फरपुर में क्या है हमारा ये दूसरा कांति थर्मल पावर प्लांट, ये डैम है, ये जो पावर प्लांट है। और थर्ड हमारा कौन सा है, कहालगोन सुपर थर्मल पावर प्लांट और बर सुपर थर्मल पावर प्लांट। तो ये चार हैं यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स हैं।
बरौनी थर्मल पावर प्लांट, कंती थर्मल पावर प्लांट, कालगोन सुपर थर्मल पावर प्लांट और बरोबार थर्मल पावर प्लांट, सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये थर्मल पावर प्लांट वगैरह हो गए, इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट बढ़ा देता हूँ। कौन सा है नेक्स्ट पॉइंट हमारा? नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ के जो फेमस जो फोक डांस हैं, लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो लोक नृत्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोक डांस। तो पहला कौन सा डांस है? जटा जटिन, ये पहला डांस है। सेकंड डांस हमारा कौन सा है? बाखू बखैन सामा चकुआ विदेशिया पनवरिया। तो यहाँ पे क्या है, ये मेन जो फोक डांसेज हैं लोक नृत्य कौन से हैं? जनता जटा जतिन, बखनी बखू बखिन, समा चकवा, विदेशिया पनवरिया। तो ये सभी क्या है आगे जो लोक नृत्य है। यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है, एयरपोर्ट के बारे में लिख लीजिए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पे है? पटना में है। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है। तो पटना में क्या है? एयरपोर्ट है लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट हो गए हमारे। अभी जो दो तीन पॉइंट बच गए हमारे कौन से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डाटा नहीं है इसमें बिहार में, तो दो तीन डाटा बच गए हमारे कि भी एक तो हो गया कि जो हमारे टाइगर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व यहाँ पे कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और यही एक क्या है, एकमात्र यहाँ का नेशनल पार्क भी है। तो नेशनल पार्क भी क्या है यहाँ पे? वाल्मीकि नेशनल पार्क या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक ही बात है। और ये क्या है, एक ही यहाँ पे नेशनल पार्क है। अभी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरीज के बारे में देख लेते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? पहले यहाँ पे गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुशेश्वर स्थान बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और भी यहाँ पे बर्ड सेंचुरीज भी हैं, कौन सी हैं? एक तो है नागी डैम बर्ड सेंचुरी, नेक्स्ट है नक्ती डैम बर्ड सेंचुरी और भीमबंद बर्ड सेंचुरी। तो ये हो गए यहाँ के टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नेशनल पार्क कह सकते हैं इसको। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से हैं? गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, कुशेश्वर स्थान बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी और इसके साथ साथ जो नागी डैम बर्ड सेंचुरी, नक्ती डैम बर्ड सेंचुरी और भीमबंद बर्ड सेंचुरी। तो ये हो गया हमारा आज का जो बिहार का टॉपिक है स्टैटिक जीके में, इसमें आज का इतना ही डाटा था। और यहाँ पे जो आपने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, जो हमारा क्या था, मगध एम्पायर था और उसके साथ साथ और भी जितने भी एम्पायर थे, जो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को आज क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। तो उसके आसपास के जितने भी इलाके थे वो सभी क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में हिस्ट्री में आपको ज़्यादा जानकारी इसमें देखने को मिलेगी। तो हिस्ट्री के हमारे लेक्चर्स देखते रहिए, साथ साथ आपको उसकी भी जानकारी हम आपको दे देंगे। जो हमने हिस्ट्री के लेक्चर में हमने जो 16 महाजनपद वगैरह के बारे में बताया है, बुद्धिज्म बताया, जैनिज्म बताया है,
तो उसमें जो भी डिटेल हमने दिए हैं ज़्यादातर वो कहाँ है, बिहार से ही बिलोंग करती थी, तो उसके बारे में वहाँ से आप नोट कर लीजिए। उसके लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ आप जो हमारे चैनल पर वीडियो पर जा करके वीडियोज में जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको दिल्ली पुलिस के नाम से बैच मिल जाएगा, उसमें हिस्ट्री के लेक्चर्स जितने भी हैं वो सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, उसमें आप जा करके देख लीजिए। तो चलिए यहाँ तक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, और कमेंट कीजिए अगर आपको लगता है कोई पॉइंट इसमें छूट गया है तो हम आपको वो क्लैरिफाई कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच।